हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मेरे चैनल क्रिकेट टॉक विद मिश्रा जी में आपका सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को जय श्री राम। कल दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ टेस्ट का, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। इंडिया 125/4, एक समय ऐसा था कि 97 पर केवल 97 केवल एक वन विकेट गिरा था, रोहित शर्मा लूज शॉट मार के आउट हुए, पर उसके बाद विकेटों की झड़ी लगी। और सबसे बुरा तब लगा जब अजिंक्य रहाणे रन आउट हुए, तो सबसे बेकार मतलब कि आउट हुआ हो, कि टेस्ट मैच में रन आउट होना मतलब सुसाइड करने के बराबर है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसमें कोई जो बहुत ही गलत हुआ कि राहुल जमे हुए हैं और 57 बना के वो क्रीज पे हुए, उनके साथ ऋषभ पंत का साथ, ऋषभ पंत को थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा और थोड़ा सर्वाइव गेम खेलना होगा उनको, जिससे गेम को लंबा कर सके। और विराट कोहली भी पहली गेंद पे आउट हुए, लेकिन आई बिलीव बहुत अच्छे से विराट कोहली बहुत अच्छे से कमबैक करेंगे, और निश्चित है इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई निश्चित बहुत स्ट्रांगेस्ट कमबैक होगा विराट कोहली का। और आज तीसरा दिन उनका है, और आज बहुत अच्छे से खेलना होगा। कल तीसरे दिन बहुत अच्छे से उनको खेलना होगा, उनको समझ खेलना होगा। पहले लीड उतारनी होगी, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 70 रन की लीड तो लेनी चाहिए। 70 उससे ऊपर में तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम जिस तरह की मतलब कि 97 कोई विकेट नहीं गिरा था, और लंच से ठीक जस्ट पहले हुक शॉट मारते चक्कर में रोहित शर्मा ने विकेट गवाया, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला वहाँ पर। एक ओवरसीज कंट्री में 97 की पार्टनरशिप देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, जो मतलब कि और सुबह दिखाई पड़ी हमको। और बहुत मुझे कॉम्पैक्ट ओपनिंग पार्टनरशिप लगी मुझे रोहित शर्मा और राहुल की, और इसे जारी रखना चाहिए। और मुझे मेरा दिल कहता है कि इंडिया आज जरूर कुछ ना कुछ लीड जरूर लेगा, आज हमको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लीड जरूर इंडिया लेगा, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्लीज़ आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल न्यू है उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को प्यार, आप लोगों के साथ की जरूरत है, मैं और हम न्यू हैं, मतलब हम इतना मुझे नॉलेज नहीं है, आप जैसे जैसे आप लोग साथ बने रहेंगे वैसे वैसे मैं इस पर वर्क भी करूँगा, हार्ड वर्क भी करूँगा, और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग अपने सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपना सैनिटाइजर और मास्क लगा के रखिए। जय श्री राम।